दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेक्निक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे ये सब्सक्राइब बटन मिल जाता है, दबाकर कर लें चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज फिर से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं को लेटेस्ट टॉपिक के ऊपर की जो ड्रोन पुलिस है वो किस प्रकार से यहाँ पर काम करती है और क्यों इसे बनाई गई है। थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर ले लीजिए, शायद आपको फ्यूचर में एक ड्रोन खरीदना पड़े और उसके बाद आपके मतलब हो जाए पंगे। तो उससे पहले जानकारी जरूर ले लें कि ड्रोन पुलिस क्या है और नॉर्मल पुलिस के साथ भी है ड्रोन पुलिस को कनेक्ट यहाँ पर किया गया है। जहाँ पर ड्रोन पुलिस नहीं पहुँच पाती है वहाँ पर लोकल पुलिस का यहाँ पर काम हो जाता है कि उस अपराधी को पकड़ा जाए। तो क्या है पूरा मामला, आगे देख लीजिए। दोस्तों, अगर हम बात करें ड्रोन पुलिस के बारे में, वैसे ही गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी अलग अलग जगह जो कि रेयर जगह हैं जैसे कि एयरपोर्ट हैं या फिर जो छावनी हैं जो कि मतलब जहां पर फौजी लोग रहते हैं उन सबको यहां पर मिलिट्री एरिया बेस या फिर आप काफ़ी अलग अलग जैसे कि बंदूक को टेस्टिंग करने की रेंज होती हैं यहाँ पर फायरिंग रेंज बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, इन सब एरियाज के अंदर ड्रोन्स का जाना बिल्कुल सख्त मना किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि इन एरियाज के अंदर या फिर जो रिहायशी एरियाज हैं उनके अंदर या फिर किसी दूसरे के घर के ऊपर आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। ये किया है गवर्नमेंट ने। लेकिन ड्रोन पुलिस क्यों बनाई गई है? इसीलिए ड्रोन पुलिस बनाई गई है क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि मानते नहीं हैं और वो देखना चाहते हैं ड्रोन के कैमरा को यूज़ करके एयरपोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, इस डिपार्टमेंट के अंदर क्या हो रहा है। वैसे तो वो वहाँ पर जा नहीं सकते। दूसरी बात, ड्रोन से जो है मोबाइल फ़ोन्स को एक तरफ से दूसरी तरफ तस्करी किया जा रहा है एयरपोर्ट के ऊपर कस्टम अधिकारियों से बचने के लिए। एयरपोर्ट के अंदर से जो है ड्रोन्स के द्वारा मोबाइल को, आईफोन या फिर काफ़ी महंगे जो मोबाइल फ़ोन हैं उन सबको या फिर काफ़ी सारे जो महंगे मतलब गोल्ड है या फिर और भी डायमंड्स वगैरह हैं बाहर से लेके आते हैं किसी भी तरह से और एयरपोर्ट के ऊपर से पार करने के लिए ड्रोन्स का यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इन सबको पकड़ने के लिए यहाँ पर ड्रोन पुलिस बनाई गई स्पेशली। और ड्रोन पुलिस किसी ड्रेस में आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली है, बिल्कुल नॉर्मल हम जैसे ही वो लोग होते हैं। लेकिन जब वो पकड़ते हैं तब दिखाते हैं अपना आईडी कार्ड और हमारे होश उड़ जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सचेत होना होगा कि किसी प्रकार की यहाँ पर गलती ना करें। और ड्रोन को भी आजकल जो है लाइसेंस के साथ जारी कर दिया गया है और कहीं पर आपका ड्रोन गिर गया किसी के घर में तो वो आराम से आपके ऊपर कैश कर सकता है क्योंकि ये ड्रोन के ऊपर जो सीरियल नंबर यहाँ पर लिखे हुए होते हैं उसके ऊपर आपका एड्रेस यहाँ पर मिलने वाला है। तो बच के रहिए थोड़ा सा। तो ये है ड्रोन पुलिस, इसी प्रकार से काम करती है, पकड़ती है ड्रोन वाले अपराधियों को, ड्रोन के साथ जो मतलब बदमाशी कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, उन सभी को जो कि फॉलो नहीं करते हैं गवर्नमेंट के नियम जो कानून बनाए हुए हैं वो, तो उन सबको जो है ड्रोन पुलिस यहाँ पर पकड़ती है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को कर लें सब्सक्राइब ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।